झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रही है। इस मामले की जांच क्रम में ईडी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव समन किया था। इस दौरान सोमवार को डीसी रामनिवास यादव ईडी का रांची जोनल ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद उनसे ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले ईडी ने डीसी रामनिवास यादव बीते 17 जनवरी को समन भेजकर 23 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची जोनल ऑफिस बुलाया था। बता दें कि ईडी ने साहिबगंज अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपियों पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव के खिलाफ PCIR दर्ज किया है। इस केस में अब कई वरीय अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करने वाले सचिवालय व जिला स्तर के 2 दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया है। इन अधिकारियों में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और SP अनुरंजन किसकोट्टा भी शामिल है। इसी को लेकर ईडी ने डीसी को समन भेजा है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए जल्द ही समन जारी किया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।